खबरदार, अगर किसी ने मेरी गलती को हाथ लगाया फांस के लिए। मैंने अपने पहलवान को गोली मार दिया। मंत्री जी खबरदार, अगर किसी ने मेरी गलती को लगा हाथ लगाया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शर्त हो रहा है कि शश्वत होने के बाद सारा अधिकार छीन ले जाते हैं। ना तो तेरे हाथ में पिस्टल हैगा, ना तेरी खाकी वर्दी। तो तार पर वर्दी और मेरे नजरों के सामने साफ। क्या कहा? मैं वर्दी उतार दूँ? हाँ, हाँ वर्दी उतार दे। इस फांद के लिए मैंने अपने पहलू को गोली मार दिया। इस फांद के लिए मेरे पिताजी ने अपने माथे पर कलंक का टीका लगवा लिया और वो जेल में चला गया। आज आज तुम मुझे कहते हो कि वर्दी उतार दो? हाँ हाँ, ठीक है मंत्री जी। अगर ये बात है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी वर्दी, नहीं चाहिए मुझे सरकारी। मैं अपनी वर्दी उतार दूँ। किस्मत अभी हाल ही में इसके बाबूजी की वर्दी उतर गई, इसकी मां खत्म हो गई। केवल इसका पति मंगल सिंह था इसका सहारा देने वाला, जो कि आज
जिस करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, आज उसी करवा चौथ के दिन इसके भाई ने इसके पति को मार दिया। ये बात इसको मालूम नहीं है, करवा पूजने का समय हो रहा है इसलिए ये तैयार होती है। और उधर से एक गांव के रहने वाली गंगा नाम की औरत आती है, तो देखिए दोनों में क्या बातचीत होती है दोस्तों, गौर कीजिएगा। करवा चौथ का दिन है, मेरे स्वामी ड्यूटी से वापस नहीं आए, न जाने कितने टाइम आएंगे। सुबह से व्रत हो शाम होने वाली, माता रानी वो कहीं भी हो, उन्हें कुछ ना हो। मैं बुदाती तेरी बदनसीब के
हुआ है। खबर ला Thank you.
बिठा दिया। क्या की थी मैंने, क्या बिगाड़ी थी मैंने। भैया याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारे कराई में मैंने राखी बांधी थी। Yeah.